लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जिस किसी ने भी लिखा है, बहुत ही उम्दा लिखा है कि जिनके भरोसे है शहर के लोगों की जिंदगी, जिनके भरोसे है शहर के लोगों की जिंदगी, अफसोस वही लड़ रहे हैं झूठे गुरूर में। नमस्कार दोस्तों, लिखते हैं नाम विपुल मिश्रा और आज बात करेंगे बिलासपुर सिरगिट्टी की। ये जो मामला है इसका फैसला आप खुद कीजिए। जी सर, ये आज हमारी यहाँ पे एक ऐसी घटना घटी है, उसकी शिकायत हम आपके पास फोन द्वारा ही दे रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी एक है उत्तरा दुबे करके, इनके द्वारा काफी दिनों से विवाद चल रहा था यहाँ पे। आज बहुत ही ज्यादा मतलब विवाद बढ़ गया, उसके कारण हम यहाँ थाना आए हुए हैं। समस्त स्टाफ हम सब थाने में खड़े हैं, तो यहाँ पे जिस तौर पे हम आपको फोन लगा के ये सूचना दे रहे हैं सर। यहाँ पे प्रभारी हमारे जो सर मैडम हैं, तो उनको कई बार बोले बेटा तुम ध्यान दो कामों को, क्योंकि अभी सफाई को ज्यादा ध्यान दिया जा रहा ना। नौकरी से निकालने के लिए बोले आज, तो हम सब भाइयों को अपने लेकर, और कई दिनों से हम सबको धमकी बाहर के गुंडों से दिलवा रही थी, और घर में आके मतलब धमकी दी। तो आज हम लोगों को मजबूरन यहाँ पर थाना आना पड़ा सर। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जी जी, धन्यवाद सर, थैंक यू। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य से मुक्ति में कर्मचारियों को बाहरी आदमी आके उनको धमकी दिया जा रहा है बाहरी आदमी के माध्यम से। हमारे यहाँ एक बाढ़ आया के पद पे पदस्थ है उत्तरा दुबे करके। अच्छा, उनसे हम लोग समय समय पे ड्यूटी मतलब चेंज कर करके ड्यूटी लेते हैं। शिफ्ट बाई शिफ्ट ड्यूटी आप करिए, तो वो मना कर देती, बोलती है मैं शिफ्ट बाई शिफ्ट ड्यूटी नहीं करूँगी, मेरा मन जैसा होगा मैं वैसे ड्यूटी करूँगी। अच्छा, तो हमारे यहाँ के मैडम प्रभारी हैं, उनको कई बार समझाया दिया गया कि भाई यहाँ तीन शिफ्ट में ड्यूटी चलता है, आपको तीनों शिफ्ट में ड्यूटी करना पड़ेगा, ना किसी एक ड्यूटी में। तो उनको जब समझाई देते हैं तो वो जो डिलीवरी रूम में जिन सिस्टरों के साथ ड्यूटी रहता है उनसे वो लड़ाई दंगा करती हैं। तो सिस्टर हम लोगों को आके बताती हैं कि ये उत्तरा दुबे जो है बाढ़ आया, सफाई कर्मी हमारे हमको रात में धमकी मतलब दिलवा रही हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगी, उनको जान से मरवा दूंगी। तो ये सिस्टर लोग हमारे पास आके शिकायत की। कर्मी हमारे यहाँ की उत्तरा दुबे और उसके भाइयों द्वारा अगर आए दिन हम लोगों को इसी तरह की धमकी दी जाती है, तो हम लोग हॉस्पिटल का कार्य बंद करके ताला लगा के अपने घर में क्वारंटीन हो जाएंगे, के लिए मजबूर है अगर इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं की जाती। तो मैडम, क्या उन लोगों के भाई लोग जो आए थे उन लोग मास्क वॉक्स कुछ पहने थे? हाथ नहीं पहने। सिस्टम लोगों के घर भी जाते हैं और उल्टी सीधी धमकी देते हैं। क्या बोलते हैं, उनका कहना क्या होता है? उनका कहना होता है कि हम हमारा ट्रांसफर करा देंगे, यहाँ चल के मर जाएंगे, तो खेत आपके ऊपर बनेगा। आए दिन मतलब यही तमाशा, फंसाने की धमकी देते हैं। जेंट्स स्टाफ है हमारे यहाँ, हम अपने कपड़े फाड़ के आपको उल्टे से केस में फंसा देंगे। रात दिन इनका यही तमाशा। नाइट ड्यूटी होती है तो क्या करते हैं, उनके भाई आकर उल्टा सीधा ड्रिंक करके हंगामा करते हैं। इस चीज को हम लोग कई बार नशे में आ गए। कई बार इनकी ड्यूटी जब भी रहती है तो आए दिन उसके साथ विवाद, इनका हमसे मैडम से बदतमीजी से पेश आती है। वो इस बात की जानकारी क्या पार्षद को भी है? पार्षद पुष्पेन साहू आके, और ये रवि साहू हो गए, ये सूरज मरकाम हो गए, ये सब आए दिन कुछ न कुछ। इनका कहना है कि आज से पहले ऐसी कोई विवाद नहीं हुई थी, तो हम बोले कि क्या हम लोगों ने ऐसे क्या गलत करके रखा हुआ है। हम लोग इसको हॉस्पिटल को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, और जो महामारी अभी चल रही है उस पर हम लोगों को ज्यादा सहयोग। हम आमने सामने रहते हैं, एक साथ रहते हैं, कार्य करते हैं, और ये अक्सर मतलब इसको अगर बोलो कि नहीं ये ड्यूटी करना है, तुमको ये नहीं करना है, वो नहीं करना, कुछ उसको समझाया आया भाई कि आपके सफाई कर्मचारी का काम है सफाई करना, ना कि हमको वो इंस्ट्रक्शन दे। ठीक है, वो हमको बोलती है कि हमारे अनुसार तुम काम करो, हम उसके अनुसार क्यों काम करें? उसका भाई सीधा मेरे घर के दर जहाँ मैं रेसिडेंट जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ आकर के सीधा मेरे को वीडियो बना रहा था और धमकी दे रहा था। आप मेरी बहन को ऐसा बोलते, मेरी बहन को वैसा बोलते, मैं सीधा मोदी से बात करता हूँ, मैं कलेक्टर से बात करता हूँ, मैं सीएमओ से बात करता हूँ, लो मेरा फोन सीएमओ से बात करो। इस प्रकार की धमकी दे मैं जहाँ चाहूँ वहाँ मैं आप लोगों को पिकवा सकता हूँ। उत्तरा दुबे आया भाई, मैं स्वास्थ्य केंद्र में काम करती हूँ, मैं काम कर रही थी उसी समय मेरे पुत्र अपने चेंबर में बुलाया और तुम काम का मेरे को बोल रहे थे कि तुम क्या काम नहीं करती, ये नहीं करती वो। तो मैं बोली सर उस दिन 8 बजे क्यों नहीं आया ड्यूटी में आया था, तो मैं बोली सर मैं अकेले कैसे आऊँगी। तो गए सर आप क्यों अकेले बुला के बोलते हैं? तो आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसका सूचना देते हैं? वो जेंट पर्सन है, अकेली महिला को क्यों बुलाता है अकेले रूम में? अधिकारी तो रजनी मैडम है लेडीज, लेकिन सर मेरे को बोल रहे। अच्छा हाँ,
सर बोलते हैं कि तुम कौन, तो वो ये है वो है। मैं बोली सर मैं तुम कुछ काम नहीं करती हूँ, हम आके देखते हैं। यार मैडम देखिए अभी कोरोना का इतना बुरा दौर चल रहा है बिलासपुर में, वैसे आज आप लोगों को पता होना चाहिए 1200 मजदूर आए हैं, पुलिस कर्मी डॉक्टर कर्मी आप सब लोगों की कितनी सहयोग हो रहा है, सफाई कर्मी भी कितना सहयोग दे रहे हैं देश को। हम लोग परसों सर 4 रोज पहले मेरी सिस्टर और 2 स्टाफ गए थे दिल्हा, मेरा भाई भी गया था जो पहले वहाँ चौकीदार था, 1 साल पहले तक चौकीदारी किया वहाँ पे। दिल्हा में जो इन मैडम बैठती है कोई गढ़े वाली मैडम है BMO, उनको यहाँ के जो अधिकारी हैं इनका कंप्लेन गया है कि नेहा उत्तरा दुबे जो है अनर्गल एक्टिविटी उनके घर में होता है। और ये मीडिया में आप लोग का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके सामने हमको खुल के बोलने का मौका मिलता है। हमारा काम है लोगों को दिखाना। 2000 की सैलरी काम करती है, सफाई करनी है। आप क्या करते हैं? सर मैं तो रियल इस्टेट का काम करता हूँ। बिल्डिंग के साथ भी मिस गई हूँ। हाँ मिस गई हूँ दीदी। आप लोग कहीं पर था तो आपने इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को दी है इससे पहले? इस समय में मैडम क्योंकि मैम अभी इस समय ना आप लोगों की बहुत ज़रूरत है देश को, समझ रहे हैं? इस समय में अगर आप लोगों के आपस का विवाद कहीं ना कहीं हमारे देश में हमारे बिलासपुर के लिए बहुत हानिकारक है। आपको मैं बार बार यही सूचित कर रहा हूँ कि ऐसे समय में बहुत ज़रूरत है आपकी देश को। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.